और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स माफिया चीकू पठान की ड्रग्स फैक्ट्री पर छापेमारी की और यह बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में एनसीबी ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की है। तो एक बड़ी लीड हाथ लगी है यहां पर। आपको बता दें मुंबई से यह बड़ी खबर, एनसीबी ने ड्रग्स माफिया चीकू पठान की ड्रग्स फैक्ट्री पर छापेमारी की और यह बताया जा रहा है इस छापेमारी में एनसीबी ने 10 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की है। कल ही गिरफ्तारी भी हुई थी चीकू पठान की और उसके बाद छापेमारी का जो दौर था वो लगातार चल रहा था। फैक्ट्री में जब ये छापेमारी हुई उसके बाद बताया जा रहा है 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स यहां बरामद हुई। दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। दिवाकर देखिए अर्पिता, एनसीबी की अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, खास तौर पर क्योंकि चीकू पठान जो है कल गिरफ्तार जब हुआ था तो उसे पूछताछ एनसीबी ने की थी और उसी पूछताछ के आधार पर जो डोंगरी का इलाका है, जो दाऊद का इलाका भी माना जाता है, वहां पर छापेमारी की, एक लैब में ये छापेमारी की गई थी जहां पर ड्रग्स जो है वो बनाई जाती थी, क्योंकि चीकू पठान जो है वो दाऊद का बेहद करीबी है और करीम लाला जो गैंगस्टर था उसका वो रिश्तेदार है। तो जाहिर तौर पर एनसीबी की एक बड़ी कार्रवाई जो है एनसीबी ने अंजाम दिया है। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि बड़ी संख्या में करीब करोड़ों रुपए की ड्रग्स और करीब 10 करोड़ से ज्यादा रुपए भी इस छापेमारी में बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ इस फैक्ट्री से जो है कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं एनसीबी के द्वारा। और एनसीबी इस पूरे मामले में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो है एनसीबी ने की है, खासतौर पर अब जो तार है वो दाऊद से जुड़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि बेहद ही करीबी चीकू पठान है दाऊद का। तो ऐसे में अहम चीज ये है कि जो फैक्ट्री जो जहां पर एनसीबी ने छापेमारी की, क्या दाऊद से उसका कोई लिंक है, क्या दाऊद भी के लोग उसे संभालते हैं, ये बड़ी अहम जानकारी थोड़ी देर में जब एनसीबी बात करेगी तो सामने आ सकती है। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है इसकी जो कहीं ना कहीं जांच इसमें आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुछ और गिरफ्तारियां रखिएगा, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।